वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे आप लोग, होप कि आप सब अच्छे से होंगे अपने अपने घर पे। एंड अभी बजे मॉर्निंग का 11:30 एंड जस्ट अभी मैं नहा के आई एंड पूजा वगैरह भी अभी करना बाकी है। सोचा कि थोड़ा बहुत ये वीडियो ले लूं क्योंकि आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है। आज एक्चुअली मेरा 6th वेडिंग एनिवर्सरी है एंड आज ही बेबू को 6 मंथ भी कम्प्लीट हो रहा है। मतलब ऐसा कोइंसिडेंस देखिए, हम लोग का 6 ईयर कम्प्लीट हो रहा है वेडिंग को एंड बेबू को 6 मंथ कम्प्लीट हो रहा है। पर कोई फायदा नहीं, जीवन यहाँ पे है नहीं तो वेडिंग एनिवर्सरी मैं अकेले अकेले क्या सेलिब्रेट करूँ, क्योंकि ऑफिस का कुछ काम पड़ा इसलिए 4-5 दिन से वो बाहर ही है। एंड बेबू को भी मैंने रेडी कर दिया था नहाने से पहले, उसका सारा काम मैंने ख़त्म कर दिया था, वो यहाँ पे खेल रहा है। आज एक्चुअली हम लोग प्लान कर रहे हैं कहीं बाहर जाने का, क्योंकि रानू भी है तो ऐसे घर में बैठे बैठे बोर भी लग रहा है। एंड बेबू का भी मैं सोच रही थी कहीं बाहर जाके आज थोड़ा फोटो वोटो खिंचवाएं, तो पता नहीं कहाँ जाएंगे, कुछ फिक्स नहीं हुआ है। सोच रहे इको पार्क जाने का, जहाँ भी जाएंगे आपको तो वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो ठीक है, मैं जाती हूँ, मेरा जो काम है सारा मैं खत्म कर लेती हूँ एंड आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। हम कहाँ जा रहे हैं, ये वाला दिन हम कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो सब देखने के लिए। पूजा वगैरह अभी खत्म करके मैं आई एंड थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम तो कब का चला गया है, पर बहुत जोर से भूख लग रही थी तो मैंने थोड़ा खा लिया है। एंड अभी एक्चुअली हम लोग प्लान कर रहे हैं कहीं बाहर लंच करने के लिए जाने के लिए। आज एक्चुअली हम लोग का ओरिजिनल प्लान था कि हम लोग दीदी के यहाँ जाने वाले थे, पर दीदी फोन करके बोली कि वहां पे सबको वायरल फीवर हो गया है, सर्दी कफ ऐसा हो गया है सिचुएशन। तो दीदी बोली छोटा सा बच्चा है उसको लेके आएगी, उसको हमसे अगर ये वायरल फीवर वगैरह उसको भी होगा तो फिर मैनेज करना दिक्कत हो जाएगा, जीवन भी अभी नहीं है एंड हम लोग का तो ठीक है, बड़े हैं तो इम्यूनिटी स्ट्रांग है, पर उसका उतना मतलब उसको बहुत इजीली ये सब चीज हो सकता है, तो इसलिए वहां पे जाना भी कैंसिल हुआ। एंड फाइनल ये हुआ कि हम लोग इको पार्क जाएंगे, थोड़ा घूम के आ जाएंगे, अच्छा भी लगेगा। मैं रेडी हो गई हूँ एंड बेटू एंड रानू भी रेडी हो गए हैं, बेटू अपनी मौसी के पास है एंड अभी हम लोग जाएंगे। यहाँ पास में एक रेस्टोरेंट है 99 रेस्टोरेंट करके, वहां पे जाएंगे, लंच करेंगे, फिर हम निकलेंगे इको पार्क के लिए। बेबी इतना अच्छा बच्चा किसी ने देखा है? एकदम नहीं रोता है वो, अपना खेलते रहता है। हम लोग रेस्टोरेंट में आ गए हैं एंड जब तक खाना आता है मैंने सोचा कि बेटू को थोड़ा खिला दूँ एंड ये वाला मैंने उसका प्रिपेयर किया है सेरलैक स्टेज 1, तो उसको मैंने अभी मैं अभी थोड़ा सा खिला दूँगी ताकि बीच बीच में खाना उसको मिलते रहेगा, वो चिड़चिड़ नहीं करेगा नहीं तो रोने लगेगा, है ना? लंच करने के बाद हम लोग घर आ गए थे क्योंकि स्ट्रॉलर लेके गए थे एंड फिर मैंने सोचा कि स्ट्रॉलर लेके इको पार्क जाएंगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, तो अभी स्ट्रॉलर रख के वैसे जो कैरी करते हैं जैसे कंगारू पाउच टाइप का, वैसे मैं बेबू को लेके जाने वाले हैं एंड अभी कैब भी बुक हो गया है, कैब के लिए वेट कर रहे हैं, कैब जैसे ही आता है हम लोग यहाँ से निकलेंगे। Just don't lie.
माखी इको पार्क में पहुंच गए हैं, अभी जाएंगे टिकट करने के लिए एंड बेटू सो गया है। आज उतना भीड़ नहीं है क्योंकि हॉलीडेज भी ख़त्म हो गया है, स्कूल सबका चालू हो गया, ऑफिसेस चालू हो गया है, तो अभी इजीली आज घूम पाएंगे थोड़ा। टिकट प्राइसेस 30 रुपीज पर हेड। इको पार्क का एंट्री फी होता है 30 रुपीज एंड यहाँ पे जो 7 वंडर का जो सेक्शन है वहाँ के लिए एंट्री फी भी 30 रुपीज है, तो वो वाला टिकट अभी करेंगे एंड पहले अभी जाएंगे 7 वंडर देखने के लिए, फिर उसके बाद मेन पार्क में जाएंगे। सपोर्ट्रे थे बोला आज ज्यादा धूप भी नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है घूमने के लिए। तो ये रहा इको पार्क का 7 वंडर वाला सेक्शन। ये वाला है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एंड ये हमारी बिल्ली ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर बहुत चढ़ना पड़ता है एंड बेटू को लेके वैसे ही बहुत एग्जॉस्टेड लग रहा है, काफी बार गई हूँ मैं। सो इको पार्क में ऐसे टॉय ट्रेन भी है, आप चाहो तो इसमें भी घूम सकते हो। कंपेरेटिवली कम भीड़ है, नहीं तो इस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है एंड वीकेंड में तो भर जाता है, यहाँ पे बैठने के लिए कहीं पे जगह नहीं मिलता एंड वहाँ पे वो सामने इसे बाइसाइकल्स रेंट पे मिलता है, इसे 2 जन आप बैठ के साइकिलिंग कर सकते हो, शायद 250 लेता है आधा घंटा के लिए। ये वाला है मास्क गार्डन, इसे ये मास्क सब है। शाबा शाबा इनका बॉन्ड अच्छी, बहुत सारा फ्लावर्स है ना, बड़ा बड़ा मैरीगोल्ड है ना, देखने के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है।
बहुत सारे फ्लावर्स है। यहाँ से आप बाइसाइकिल रेंट कर सकते हो। ये वाला रास्ता देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। जब भी मैं इस रास्ते में आती हूँ पता नहीं क्यों नार्निया वाली फील आती है। ये लाइट्स एंड ये जो ट्रीज सब है ना वैसे ही लगता है। कोटे अच्छे नार्निया जाओ जा मैं देवी। वाओ बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड लास्ट टाइम मैं जब आई थी ये बोटिंग वाला स्टार्ट नहीं हुआ था, काम चल रहा था एंड अभी स्टार्ट हो गया है। वहाँ पे वाटरफॉल भी है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। ये है बाम्बू गार्डन, बहुत टाइप्स के बाम्बू है एंड एक अच्छी चीज़ है न्यू मॉम्स के लिए एंड मॉम्स के लिए। यहाँ पे फीडिंग रूम है जो कि मेरे लिए तो काफ़ी हेल्पफुल था। ऐसी जगह हर जगह नहीं होता है, बहुत अच्छी बात है। हर ऐसे टूरिस्ट प्लेस में ना छोटा सा हो पर एक फीडिंग रूम होना ही चाहिए। देखिए ये जगह कितनी वेल मेंटेन्ड है, मतलब यहाँ पे हर दिन लोग झाड़ू करते हैं। सो बहुत ज़्यादा पत्ता वत्ता भी नहीं है यहाँ पे। देखिए इतना सारा पेड़ है पर बहुत ही कम पत्ते हैं एंड बहुत ही क्लीन लग रहा है। जगह जगह पे ऐसे डस्टबिन रखा हुआ है, तो आप लोग जो भी घूमने के लिए आ रहे हो ना इधर उधर कचरा मत फेंको, डस्टबिन में ही डालो एंड ये जगह को क्लीन रखो। यहाँ पे टॉयलेट है एंड टॉयलेट बहुत जगह पे है, नया नया बनाया गया है एंड हम लोग आके पहुँच गए हैं लेक के पास। यहाँ पे बहुत सारा फूड स्टॉल्स भी है, बहुत सारे स्ट्रीट फूड्स यू कैन ट्राई हियर। बाप रे भीड़ तो है पर ये जगह ना मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। लुक एट द व्यू, ये वाला है हाइड्रो इलेक्ट्रिक डोम, पता नहीं चालू हुआ है कि नहीं। इसके पास ये वाला है धमसा ट्राइबल किचन। हम लोग प्लान कर रहे थे यहाँ पे आने के लिए पर फिर कैंसिल हो गया। जीवन आएंगे तो हम एक बार मिल के आएंगे यहाँ पे। सुना है रिव्यू कि बहुत अच्छा फूड मिलता है, ट्राइबल फूड मिलता है एंड ये बिल्कुल लेक साइड में ही है। जो पंखा वाला ऐसे बनाया हुआ है ना स्ट्रक्चर्स, बहुत अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल दिख रहा है एक्चुअली, एकदम गांव का वाइब दे रहा है। ये वाला टिकट काउंटर है इसके अंदर जाने के लिए। इसके अंदर एक्चुअली पूरा बनाया हुआ है कि बंगाली विलेज लाइफ कैसी होती है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ, उतना कुछ है नहीं तो मैं अंदर नहीं जा रही हूँ। कच्चे घर सब है एंड गांव का माहौल जैसा होता है वैसा ही है सब। बहुत जोर से प्यास लग रही थी तो हमने क्या लिया वहां से दिखा दे, कोक और बिस्लरी। आइसक्रीम भी खाएंगे बाहर जाके यहां से। यहाँ पे है आर्टिस्ट कॉटेज एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉटेज है, मुझे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है एंड इसके सामने देखिए कितना बड़ा बड़ा रोज सब है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। बहुत सारे कलर्स भी है,
डीप रेड, हाँ बहुत बड़ा है, ऑरेंज, पिंक, हॉट पिंक, वाइट, सब कलर का है। देखना कितने सुंदर लगो जी। बहुत सारे वैरायटी के रोजेस हैं, मतलब मैंने देखा है रोजेस पर इतना वैरायटी मैंने कभी नहीं देखा था। एंड बहुत बार मैं आई हूँ इको पार्क में पर यहाँ पे कभी नहीं आए थे। देखिए ये मेरे पीछे सब वाइट है, वाइट के भी बहुत सारे वैरायटी है, स्पॉटेड वाइट है, इतना दिख नहीं रहा है, एंड वाइट एंड पिंक का ये वाला कॉम्बिनेशन का है, बहुत ब्यूटीफुल है। ऑलमोस्ट सारा कुछ घूम लिए एंड अभी जा रहे हैं घर, गेट नंबर 2 के पास ही है एंड इधर ही से हम लोग निकल जाएंगे बाहर। चले आप इधर से मदर्स वॉक्स म्यूजियम भी जा सकते हो, सबवे है एंड वो सामने है मदर्स वॉक्स म्यूजियम, जस्ट रोड क्रॉस करके अपोजिट में ही है। पापी चाय यहाँ पे हम लोग अभी पापड़ी चाट खाएंगे। हम भेजे पहले हम लोग आके घर में पहुंचे एंड मैंने चेंज कर लिया है, स्वेटर वगैरह पहन लिया है क्योंकि घर में ना धूप नहीं आती, इसके वजह से घर में थोड़ा ठंड लगती है, बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी था, एकदम घूमते घूमते पसीना पसीना हो गए थे हम लोग। ठीक है अभी मैं जाती हूँ डिनर का प्रिपरेशन करती हूँ क्योंकि बेटू को भी मैंने फीड दे के सुला दिया है, उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। आज एक्चुअली डिनर का प्लान है कि मैं घर पे पिज्ज़ा बनाऊँगी, पिज्ज़ा का जो भी सामान चाहिए वो है घर पे, तो अभी मैं जाती हूँ उसका प्रिपरेशन करती हूँ। डिनर हो गया है हम लोग का, पिज्ज़ा का टेस्ट भी बहुत अच्छा था, फर्स्ट टाइम बनाया मैंने पर अच्छा बना था। बेटू भी उठ गया है, अभी हम लोग केक कटिंग करेंगे क्योंकि ये आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है, हमारा 6th वेडिंग एनिवर्सरी है एंड बेटू का 6 मंथ कंप्लीट हुआ, तो बड़ा वाला केक नहीं लाया क्योंकि खाने के लिए कोई है ही नहीं घर पे, जीवन तो नहीं है, रानू ज़्यादा मीठा भी नहीं खाती है, तो हम लोग बस 2 पेस्ट्रीज लाए हैं, एक है ब्लूबेरी वाला एंड एक है नोलेन गुड़ वाला, यहाँ का जो स्पेशल खजूर का गुड़ होता है वो वाला। अच्छा है टेस्ट,
एक मैंने लिया है बेटू के लिए, बेटू का 6 मंथ हो गया करके, एंड एक मैंने लिया है हमारा 6th वेडिंग एनिवर्सरी के लिए। ये बेटू का रीजन तो बहाना है, बस सारा कुछ मुझे ही खाना था इसीलिए ले लिया, पर टेस्ट अच्छा है दोनों का। एंड नोलेनगुर वाला रियली मस्त है, इसका टेस्ट मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। ब्लूबेरी वाला भी अच्छा ही है। तो ये था मेरा आज का दिन, एंड आपने देखा मैंने कैसे आज का दिन स्पेंड किया। बेटू को एक्चुअली बहुत ज्यादा नींद आ रही है, वो रोने लगा है। तो आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे रखती हूँ। मिलते हैं और कोई वीडियो में या फिर व्लॉग में। एंड टिल देन यू टेक केयर, बाय।